हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल असलम स्पोर्ट्स क्लब में। तो आज हम आए हैं बथुआ खेड़ा, जो कि बिलासपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर और हमारे घर से लगभग लगभग 60 किलोमीटर दूर है। और ये एक घंटे का रास्ता हम अपने घर से यूपी में आए हैं सफ़र करके। और ये आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच नूरपुर 11 वर्सेस मसवासा 11 के बीच खेला जा रहा है। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल असलम स्पोर्ट्स क्लब में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको दिखा सकें। तो मैच का मज़ा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में। इसी के साथ टीम का स्कोर 4 रन पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 रन एक एक्स्ट्रा के रूप में। APL क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल दोनों ही टीमें काबू में है। आउट सारी पहले विकेट के रूप में उनका पतन हुआ। खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर थे, लेकिन आज हमने काफी अच्छा कैच पकड़ा। इसी के साथ टीम को पहला झटका लगते हुए शारिम के रूप में के लिए क्लिक कर दिया, फिर वहाँ पर मौजूद है, कोई भी रन लेने का कोई मौका नहीं है। सीधा कीपर के हाथ में आजन द्वारा उसको फील्ड किया गया। और सभी दर्शकों को बता दूं कि मसवासी ने पहले टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया, जो कि अभी तक के लिए और उसको उठा दिया है कवर के ऊपर से। फील्डर उसके पीछे है, देखना है एक रन कंप्लीट हो। इसी के साथ बड़े भाई ये चलता है मीडिया क्या लाइव अच्छा शॉट यहां भाई, ये शाम को आएगा ये मैच, अब ना चलेगा ये, अभी नहीं शाम को डालूंगा ले जाके इसको। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी अगर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके जाना है। शाम को डालोगे बसवासी में भी काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं, बढ़िया फील्डिंग है भाई। बैट का एज यहां पर बढ़िया बोला भाई, गजब बैट था। खालिद भाई द्वारा काफी अच्छी कीपिंग यहां पर राइल ने, एक बार फिर इनसाइड और सीधा गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। यहाँ पर क्षेत्र रक्षण से कोई मदद नहीं मिल रही है, सौरभ को काफी नाराज। और इसी के साथ टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन एक विकेट के नुकसान पर नूरपुर यहाँ का नजर। और शॉर्ट उस पर गेंद पे नाजी वहां पर एफर्ट मारा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। छोटे प्लान गेंद था, उसको कट मारा कवर की जाने। और यहाँ पर काफी अच्छा शो छोटा आमिर और एक मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि राहुल द्वारा सुरक्षित करने के लिए कोई भी रन बनाने का मौका नहीं, शायद ने मना करा। ओ बोले बोले यहाँ पर ओवर थ्रो होल्डर द्वारा मिसफील्ड, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। यहाँ पर 2 रन कंप्लीट कर लिए, खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर मसवासी का। इसी के साथ 2 रन कंप्लीट किए फैज ने, काफी अच्छी रनिंग दिखने में की थी। छोटा गेंद यहाँ पर नीचे होल्डर मौजूद है, यहाँ पर होल्डर लेकिन मिस कर गया और बड़ी मिस, 4 रन। खराब क्षेत्र रक्षण एक बार फिर से देखने को मिल रहा है मसवासी द्वारा। उसको मारना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट की बेल के हाथों में, कोई रन बनाने का मौका नहीं स्कोर रन के लिए। और एक बार फिर उसको मार दिया विकेट के ऊपर से, यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन है यार यहाँ पर। चार दिख रहे हैं, अंदर बोल दिया है, मैट पे लगा है, आधे बता तो रहे हैं यार होल्डर भाई, बता रहे हैं यहाँ बता दे क्या है, मार कीजिए। 4 रन स्टैंडिंग हुई हमसे। और इसी के साथ टीम का स्कोर 27 रन यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद नूरपुर 27, यहाँ पर नूरपुर 27 फॉर 1 आफ्टर 2 ओवर। छोटे के अंदर इस साइड है यहाँ पर, और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन होते हुए रायल के रूप में यहाँ पर 2 विकेट खो दिए नूर 11 ने। माफ कीजिएगा नूरपुर 11, काफी अच्छा बॉल, उसको कट मारना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, सीधा विकेट कीपर खालिद के हाथों में गेंद। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन, एम्पायर को पार किया, मानना चाहते थे कवर की जाने, कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। टीम का स्कोर 27 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर है। और छोटा गेंद उसको कट कर दिया, रन आउट का मौका यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मिसफील्ड हुआ,
एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर रामू को। इसी के साथ रामू ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर 28 रन के लिए। और एक बार मिट्टू की जानी खेला है, एक रन कंप्लीट किया, फिर दो रन के लिए आसानी से मुकम्मल कर लेंगे यहाँ पर। दो रन कंप्लीट कर लिए, जब तक फील्डर उसको फील्ड करता आसानी से मिड विकेट की जानी दो रन कंप्लीट की यहाँ पर। फैद को यहाँ से काफी अच्छा खेल रहा होगा टीम को, अगर सम्मान बोले यार बोले बहुत यहाँ पर उसको कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में बॉल जाते हुए। अरे नोबॉल की तरफ फील्डर उसके नीचे है यहाँ पर, और आसानी से यहाँ पर नोबॉल माफ कीजिएगा और ओवर थ्रो यहाँ पर काफी अच्छा फील्ड वहाँ पर थर्ड में। नो बॉल यहाँ पर एम्पायर द्वारा, जिसका फ्री होगी यहाँ पर एम्पायर, एम्पायर का इशारा भी आना बाकी, फ्री हिट है नहीं है, फ्री हिट बॉल यहाँ पर, कटर बॉल यहाँ पर। बोले लड़के बोले, गजब बोले, गजब बोले, बॉल यहाँ पर बोले सही दिया। 11 का स्कोर यहाँ पहुँचा है 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बॉल का कलर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर आजम होता अपना हाथ खड़ा कर दे। आजम धन्यवाद, उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेला फील्डर, तब तक उसको फील्ड एक रन लेना, फिर एक बार फील्ड होपलेस हो रहे हैं यहाँ पर प्लेयर। मानना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, एम्पायर का फैसला आना भी शेष। राइट बॉल यहाँ पर काफी अच्छा बॉल खींच रहा है यहाँ पर, पढ़ नहीं पाए यहाँ पर, सीधा गेंद विकेट विकेट में जाके लगा, तीसरे विकेट का पतन यहाँ पर रामू के रूप में। और इसी के साथ नूरपुर इलेवन ने अपना तीसरा विकेट रामू के रूप में खो दिया है। काफी अच्छा बॉल देखने को मिल रहा है यहाँ पर, उसको डिफेंस कर दिया लिए, काफी अच्छी रनिंग रूटीन में देखिए। अभी खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर माजवासी द्वारा, एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करना होगा टीम को, कम स्कोर पर रोकना है तो मानना चाहते थे विकेट कीपर के हाथों में, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ चार ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर नूर को लगा। और यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, काफी अच्छा शॉट, नो बॉल किस चीज की, फील्डर काफी मात्र दर्शक बनकर देख रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छा शॉट और नो बॉल यहाँ पर एम्पायर द्वारा। एक बार फिर से फ्री हिट का मौका यहाँ पर, पूरा लेसन से फेंक के हिट हो यहाँ पर एम्पायर का सारा, व्हाइट बॉल फ्री हिट अभी भी बरकरार यहाँ पर, मोनू को लाइन और लाइन पर नहीं डालने दे रहे हैं। गेंद हवा में है, सीधा कमेंट्री बॉक्स के, फील्डर उसके नीचे है लेकिन कोई वो नहीं होगा यहाँ पर, फ्री हिट है यहाँ पर। और दो रन कंप्लीट किया यहाँ पर मिड विकेट पर, काफी अच्छा कैच होल्डर द्वारा, और दो रन के साथ टीम का स्कोर 45 रन यहाँ पर, काफी अच्छा अड्डे। मानना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा बॉल विकेट कीपर के हाथों में, स्कोर वहीं का संपर्क नहीं, सीधा बैक गेंद विकेट पी कर कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं आता। मोनू अपने सुधार था और उसका काफी अच्छा शॉट यहाँ पर, नौ रन की जानी गेंद बाउंड्री पर। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहा हो यार, काफी तीव्र दर्शक, ऐसी कोई बात नहीं यार, दीर्घा में यहाँ पर 90 मीटर का चक्का यहाँ पर फैद द्वारा। मानना चाहते थे मिड विकेट की जानी बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद विकेट भी करके हाथ के लिए। एक बार फिर मिड विकेट की जानी मानना चाहते, स्लोर बॉल पे गेंद पड़ नहीं पाए, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 5 ओवर समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 51 लॉस ऑफ। उसको लेग साइड की जानी फील्ड कर दिया, एक रन कंप्लीट आसानी से किया फुल बॉलर होल्डर ने, खुद अपने आप को फोल्ड किया, इसको फ्लिक करना चाहते थे एम्पायर का इशारा, वाइट बॉल यहाँ पर के रूप में।
के लिए डायरेक्ट होती तो खतरे में पड़ सकते थे शायद ओवर थ्री के रूप में, जैसे कि लगातार रन आ रहे हैं बस वासी द्वारा दो रन कम्प्लीट किया आसानी से यहाँ पर, लेकिन अच्छा फील्ड वहाँ पर नेक्स्ट टाइप की जाने के काफी अच्छा यहाँ पर, अगर फील्डर नहीं होता निश्चित तौर पर ये चार रन होते। और यहाँ पर हमारे असलम स्पोर्ट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं काफी के लिए एम्पायर का इशारा आउट का, यहाँ पर आउट दे दिया यहाँ पर शॉट को, कृपया एम्पायर से बहस ना करें। साइड की जानी माफ कीजिएगा सौरभ, वहाँ पर मौजूद कोई भी रन लेने का मौका नहीं। एक बार फिर क्लिक कर दिया, क्या शॉट, इतनी क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिला फील्डर द्वारा, काफी अच्छा क्षेत्र, काफी अच्छा विकेट देकर यहाँ पर ओवर की समाप्ति सफल, पूर्ण ओवर समाप्ति यहाँ पर होल्डर का, क्योंकि काफी बड़ा विकेट प्राप्त किया। फैद का काफी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लंबे लंबे हिट मार रहे थे, राहिल के लिए छोटा चैन कवर्स के ऊपर से मार दिया है और यहाँ पर कोई मौका नहीं फील्डर के पास, चार रन बाउंड्री लाइन के बाहर, इसी चार रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। अनिल यार तेज भागो यार, 59 रन यहाँ पर, तेज भागो, तेज यार चला लो टांग को, राहिल कट मारा यहाँ पर, कवर्स के लिए कोई मौका नहीं, सीधा गेंद बाउंड्री लाइन, भाई एक बंदा उधर यार बहुत हरी मारता है यहाँ पर, राहिल का खेल ही ऑफसाइड है, क्यों नहीं और कवर्स के ऊपर से यहाँ पर काफी अच्छा शॉट और यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन नहीं मारेंगे, मैं बोल रहा हूँ भैया ये ऑफसाइड ही मारेंगे, इसके लिए वो जाने जाते हैं, चौके और छक्कों की बारिश कर दी यहाँ पर, पॉइंट एक सिंगल, इजी सिंगल, स्कोर मूवर्स 2-70 लॉस ऑफ 4 विकेट, क्लिक मारना चाहते थे। हेलो आतिफ, छोटा गेंद यहाँ पर, एम्पायर का इशारा आना से भाई बोल यहाँ पर अतिरिक्त पर ध्यान दे रहा होगा क्योंकि पहले काफी रन लुटा चुके हैं एक्स्ट्रा के रूप में, जब तक फील्डर उसको फील्ड करते, देखिए वन रन काफी अच्छी फील्ड कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति के बाद, 7 ओवर समाप्ति के बाद, नूरपुर 11-72 लूज ऑफ 4 विकेट, गुड बैटिंग, एम्पायर को पार किया उसको कवर्स के, ओ सॉरी ऑन साइड की जानिब किया, सौरभ वहां पर मौजूद काफी अच्छे बॉलर है, बॉलर ने बॉलर थ्रू में फील्ड किया, जब तक फील्ड करते एक रन आसानी से कम्प्लीट किया, थ्रू में आसानी से कम्प्लीट किया, कोई रन बनाने का कोई मौका नहीं, खेल दिया फील्डर उसके नीचे आजम, अभी अच्छा प्रयास मिस फील्ड वहाँ पर, एक रन कमरे दूसरे रन के लिए और तीसरे रन के लिए निकल पड़े यहाँ पर, और यहाँ पर एफर्ट मारा है सौरभ ने, जब तक सौरभ उसको फील्ड किए आसानी से 3 रन कंप्लीट किया यहाँ पर, इसी 3 रन के साथ टीम का स्कोर 76 रन यहाँ पर, 4 विकेट के नुकसान, फिर काफी अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर के जाने, 4 रन, कोई मौका नहीं आ जाता है, मैंने कहा था आमिर भाई खतरनाक के लिए, और एक बार रिवर्स मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं यहाँ पर, आमिर ने उसको फील्ड किया, विकेट कीपर आमिर हो तो अपना हाथ खड़ा कर दो, यहाँ पर काफी अच्छा बॉल, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर आमिर आगे बढ़ के उसको यहाँ पर स्टेट की लाइन खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए, फील्डर का मात्र दर्शक बनकर देखेंगे, काफी अच्छा बॉल यहाँ पर और उससे अच्छा शॉट यहाँ पर, और यहाँ पर कवर्स के ऊपर से काफी अच्छा शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, वेरी गुड प्लेइंग ऑफ साइड टेक ए सिंगल, टेक ए इजी सिंगल, यहाँ पर काफी अच्छा सिंगल लिया और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 81 रन, क्या माफ कीजिएगा 91 रन से आज के लिए, ऑफसाइड की जाने सो यार, रन आउट का मौका बार बार देखने को मिल रही है मिस फील्ड यहाँ पर,
हाथ माथे पर काफी खतरे में पड़ सकते राहुल, लेकिन सुरक्षित काफी अच्छा कर बढ़िया यार से अगर फील्डर मौजूद है बढ़िया बढ़िया एक रन लेने से संतुष्ट होंगे यहाँ पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद कितने ओवर दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 93-4 नूरपुर 11। जहाँ तक नूरपुर का सवाल है, पठान का आना भी बाकी। यहाँ पर फील्डर उसके नीचे है आसानी से क्या यहाँ पर, और इसी के साथ पांचवें विकेट का पतन होते हुए राहुल के रूप में। खालिद ने अपनी पहली ही गेंद पर राहुल को चलता कर दिया है। यहाँ पर लॉन्ग ऑन की जानिब काफी अच्छा क्या है। एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला यहाँ पर, सारी काफी उम्मीदें थी उनसे, अब तक आए यहाँ पर खालिद काफी अच्छा नाम ये पर अंपायर को पार किया शौकत के लिए। और यहाँ पर नाजिम मौजूद है, देखना है क्या ब्रेक कर दिया यहाँ पर नाजिम ने। और यहाँ पर काफी महंगा हो सकता है यहाँ पर विकेट, नाजिम काफी अच्छा प्रयास। एक बार फिर करा तो कमर के नाने थोड़ा उसको फंड कर देख रहे आसानी से लिया खाली अंपायर का इशारा आना बाकी छोटा बॉल यहाँ पर फील्ड कर दिया है फील्डर उसके पीछे है नाजिम सब तक उसको फील्ड करते एक रन आसानी से किया। अंपायर से बहस ना करें प्लीज। पर यहाँ पर एक विकेट की जाने फील्ड किया फील्डर तब तक पहुंचे और यहाँ पर अनाउट कर रोका यहाँ पर, लेकिन खराब थ्रो वहाँ पर यमीन द्वारा और यहाँ पर मिस फील्ड कैन बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन। खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है बार बार, पर अंपायर यहाँ पर बता कितने रन हुए कृपया हल्ला ना करें। अंपायर 5 रन अंपायर से तो पूछ ले यार। और काफी अच्छा शॉट छोटा बॉल कैन बाउंड्री लाइन के बाहर, देखता है अंपायर का इशारा आने भी देख गेंद वन की बाउंड्री मोबाइल से 4 रन। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन जिसके लिए शौकत जाते हैं। फ्री हिट का भरपूर 10 ओवर मुकम्मल होने के बाद 100 टीम का स्कोर 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड रन है एक्स्ट्रा के रूप में, काफी अच्छी रही फिर एक बार अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। और यहाँ पर काफी खराब यहाँ पर देखने को मिल रहा है मधवासी द्वारा, तीन दिन बाहर में बोल हत्या आ रही है और आतिफ जो भी रन चुनाना चाहते हैं और छोटा बॉल यहाँ पर वाइट बॉल और यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में एक रन ओवर आते हुए और बाउंस भी है अंपायर का इशारा दोनों काफी छोटा रन की जानी मात्र फील्डर बन गए हैं दर्शक। शौकत के लिए आगे बढ़ के खेलना चाहते बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में शौकत के लिए छोटा गेंद एक बार फिर आउट अंपायर है जी अंपायर की अपील लेकिन कोई भैया यार आउट है प्रेशर नहीं अंपायर पर फील्डर उसके नीचे है लेकिन गेंद फील्डर के हाथ को छूती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर हेडमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन शौकत के लिए छोटा गेंद यहाँ पर काफी अच्छा बॉल कान के पास से निकलते हुआ असलम भाई तो शौकत के लिए छोटा गेंद यहाँ पर कवर के ऊपर मारना चाहते थे गेंद और बॉल का कोई संपर्क नहीं गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में हमीर काफी मजबूत है छोटा गेंद एक बार फिर लगातार डॉट बॉल। इसी के साथ 11 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर, मात्र 4 ओवर का खेलाना बाकी है।
कर दिया है। यहाँ पर नीचे की खिलाड़ी फील्डर के नीचे मौजूद, मोनू आसानी से कैच, पांच में विकेट का पतन होते हुए यहाँ पर बहुत लंबी बाउंड्री है दोस्तों आतिप के रूप में कनेक्ट काफी अच्छा कैच के लिए। यहाँ पर फील्डर उसके पीछे मौजूद है और यार देख रहे हैं यार इससे बुरी फील्डिंग क्या होगी बता। बार यहाँ पर चौके से खाता खोला है पठान ने यहाँ पर अपना नसीब के लिए। आगे का गेंद उसको कवर के ऊपर से मारना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर सुवेर बन गेंद उसको मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। इंटू पठान बॉल यहाँ पर काफी एक्स्ट्रा के रूप में खर्चीले साबित हो रहे हैं यहाँ पर बॉलर पठान के लिए। पठान आगे का बॉल उसको कवर के ऊपर मारना चाहते थे, किल्ली पकड़ के मारने भाई अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर छोटा बॉल यहाँ पर लोगों से काफी ऊंचा 102 मीटर का छक्का यहाँ पर काफी अच्छा शॉट यहाँ पर फुरकान की बॉल को पल लिया था उसको यहाँ भी ना रुकी। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 131 टीम और नाजी विकेट के नुकसान पर नूर पर रहने पर किसी काफी अच्छा यहाँ पर काफी बड़ा विकेट का पतन होते हुए 7 विकेट का पतन होते हुए यहाँ पर सलमान टूटन अभी उसको मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते हैं। काफी अच्छा शॉट स्टेट के जाने खालिद वहाँ पर मौजूद है, तब तक गन का फील करते आसानी से गन कम्प्लीट किया और जो की खराब क्षेत्र रक्षण से काफी रन लुटाए यहाँ पर करना चाहते थे बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं कर दिया उसको लैग साइड की जाने। आजम वहाँ पर मौजूद करते हैं एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे आमिर भाई। और सभी दर्शकों को हम बता दें दूसरा फिर सेमीफाइनल की पहली जाने के नाजिम वहाँ पर मौजूद है, अभी मजबूत हाथ नाजिम के एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ से अगर सम्मानजनक स्कोर तक ले और एक बार फिर से उसको मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथ में उसको मारना चाहते थे। काफी अच्छा चेक रक्षण एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और यहाँ पर काफी अच्छा चेक रक्षण देखने को मिल रहा है फील्डर द्वारा। फिर उसको उठा दिया है कवर पर नाजी मौजूद है, देखते उस टच के खेत पकड़ते नहीं पकड़ लिया यहाँ पर और इसी के साथ काफी बड़ा विकेट यहाँ पर बहुत लेट कर दी तुमने रोहित लेट कर दिया सौगत का विकेट जो कितना था अच्छा खासा आठ में विकेट खो चुकी है नूरपुर 11 खाली हमारे हरपाल भाई मौजूद है यहाँ पर खालिद राशिद के लिए एक बार फिर उसको खेला स्टेट की जाने खुद को लेकर यहाँ पर खालिद ने राशिद के लिए उसको ऑफसाइड की जान खेल दिया है फील्डर उसको फील्ड कर दिया आसानी से एक रन पूरा कर लिया यार रो यार निकल के एकदम का स्कोर जा पहुंचा है 136 रन 14वां ओवर फिर गति पर। और सभी दर्शकों को हम बता दें एपीएल के टूर्नामेंट का यहाँ पर मनोज के लिए उसको उठा दिया है फील्डर उसके नीचे है खुद खालिद ने उसको और यहाँ पर मिस फील्ड और यहाँ पर रनआउट का मौका लेकिन नहीं खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिल रहा है बार बार मिस फील्ड। मैं चाहता हूं कि यहां पर आमिर भाई को कैच पकड़ना चाहिए था लेकिन उनके हाथ में भी चोट लगी हुई फिर भी चोट लगी हुई इतनी कुछ यहां पर खालिद की गोल और अपने पंजों में उसको कैच करा राजीव के लिए छोटा बॉल उसको हम पापा इशारा वाइट बॉल एक और अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करना होगा। अब यार ऐसे कसम से कह रहा हूं स्टैंड ना होता मैं क्लियर कैच पकड़ लेता ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 140 आठ विकेट के नुकसान पर नूरपुर 11 140 रन यहाँ पर बना चुकी है जो मैं बता रहा वही 150 प्लस लास्ट ओवर है अगर वो दोनों खड़े रहते तो वो मार देते तुम सही कह रहे कोई नहीं क्रिकेट है यार तो कुछ ही कोई भी सीधा बॉल सीधा आ रहा लंबा यार बिल्कुल
इसी के साथ टीम का स्कोर 144 रन। काफी अच्छा शॉट मिड ऑन और मिड ऑफ के फील्डर के पास कोई भी मौका नहीं यहाँ पर। और एक बार फिर कट कर दिया पॉइंट की जानी फुरकान मात्र मौजूद है। तब तक गेंद को फील्ड करते एक रन आसानी से लिया 45 रन 145 रन छूटा है नाजिम द्वारा। काफी खराब क्षेत्र रक्षण और यहाँ पर 2 रन होने चाहिए थे लेकिन एक ही रन हुआ। काफी नाराज उनके कप्तान राकिब के लिए। बढ़िया बॉल है, बॉल है, समझ नहीं पाए। लास्ट बॉल है, बटर बॉल यहाँ पर हमारे बड़े भाई खालिद भाई यहाँ पर राकिब के लिए। एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे खालिद उसके नीचे हैं देख पाते हैं और आसानी से यहाँ पर कैच किया। नवे विकेट का पतन होते हुए सलमान हो तो अपनी टांग खड़ी कर दे, धन्यवाद सलमान। काफी बड़ा नाम लास्ट विकेट का पतन होते हुए यहाँ पर सल राकिब के रूप में छक्का मारा था, चौका मारा था। माफ कीजिए गरीब यहाँ पर सलमान के प्रयास मोन द्वारा। सलमान के लिए क्लिक कर दिया सलमान ने, आउट रन आउट के तौर पर यहाँ पर। फिर किसी के साथ 146 रन पर ऑल आउट हो गई नूरपुर 11। और यहाँ पर अगर बसवासी को अगर इस मैच को जीतना है तो 147 रन बनाने होंगे। इसी के साथ हम ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद। हमारे स्टेडियम में आ जाते हैं टाइम से पहले और हमें बार बार कॉल करके हमसे पूछते हैं किस टाइम से कौन सी टीम का मैच होगा। उन्होंने एक टीम के साथ एंट्री की थी और उनको पता भी नहीं चला वो कब टीम खेल के चली गई। बेचारे निराश होते रह गए। एक हमारे हैदराबाद से हमारे करीब भाई जफीर भाई सॉरी आए हैं, वो हमारे पास आ जाए चेयर पकड़ने। अभी लगा दूंगा इसमें रिकॉर्डिंग आ जाए मेरे पास। इनिंग की दूसरी इनिंग की पहली बॉल जो कि हवाओं में उड़ा दी है और ये एम्पायर का इशारा छक्का, हमारे अज्जू मामा का इशारा छक्का। मैं दोनों एम्पायरों से कहना चाहूंगा कि अपनी एम्पायरी ध्यान पूर्वक कमेटी के अध्यक्ष कुर्बान पासा जल्दी से सजेशन करें नहीं तो जो भी सजेस्ट करना वो करें। दोनों एम्पायर सजेस्ट करें किसी को ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, प्यार से मोहब्बत से बात करें। कोई भी गलती का मिस भाई अन्यथा ज्यादा भीड़ लगाए फील्ड में ना आए। वहाँ दो एम्पायर और कमेटी के अध्यक्ष कुर्बान पासा है वो सब संभाल लेंगे। भाई कोई भी कुछ गलत ना करें। बहुत अच्छा शॉट, कोई नहीं भाई 4 रन और मजबासी की टीम केस के साथ 14 रन। पहला ओवर डॉट बॉल बॉलर एलवी ले लो रिव्यू अच्छी बॉलिंग और अच्छी बैटिंग है। बहुत ही अच्छा शॉट बोला मोनू भैया ने और वहाँ पे हमारे पठान अच्छी फील्डिंग करते हुए और एक रन दौड़ पूरा किया मोनू भाई ने। एक ओवर 15 रन अच्छा ओवर गया है। अच्छी बॉल अच्छी फील्डिंग और टीएमयू अच्छी बॉलिंग चलाने दे
जोधपुर 11 की। इधर बैटिंग हेड पे, बैटिंग हेड पे अच्छी बॉलिंग, बहुत ही अनुभवी फील्डर हैं पठान। और ये अच्छा शॉट खेला है, दो फील्डर भाई बॉल के पीछे भाग रहे हैं और ये चार रन। बॉलिंग में शाबाश, कोई नहीं, चौका। यही राहुल भाई खेला है फील्डर, बहुत दूर है बाउंड्री अभी, भाग रहे हैं और दौड़कर उन्होंने चौका रोका। बाखूबी उनकी मेहनत सफल हुई और इसके साथ ही दो रन भाई उठाना चाहते थे, लेकिन हमारे बॉलर भी अच्छे थे मनोज, दो बार मसवासी की टीम के और 22 रन। जैसे कि आप जानते हैं हमारे हल्द्वानी से मुख्तर अली स्टेडियम में आ चुके हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे, जो कि बहुत टाइम से वो हमारे स्टेटस पे स्टोरी से स्टोरी देखते रहते थे। उनके में दिल की उमंग बाहर आई और उनसे रुका नहीं गया अपनी। बोले भाई लड़के, बोले शाबाश। पठान मैं अपने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा रियल में, मेरे चीफ गेस्ट हैं। और पठान की अगली बॉल रन लेना चाहते थे लेकिन और ये हवा में गेंद, फील्डर मौजूद और ये कैच आउट, बहुत ही बखूबी पठान ने बॉल की और इसके साथ मानो 24 रन मारकर 24 रन के साथ ही एक विकेट। और ये शॉट उठाना चाहते ऐसा लगता है दूसरे ही ओवर में, तीसरे ओवर में जब से पठान का ओवर आया मसवासी की टीम के ऊपर एक दबाव सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बॉल, ओवर तीन ओवर 24 रन, बहुत ही अच्छा पठान का ओवर निकलता हुआ। पावर प्ले का ये लास्ट ओवर है, बहुत बढ़िया ये फुरकान अपना शॉट उठाना चाहते थे और मनोज ने ऐसी बॉल डाली कि डायरेक्ट कीपर कैच आउट हो चुके हैं। फुरकान दूसरा विकेट मसवासी टीम का, दूसरा विकेट मसवासी का 24 रन पे दो विकेट और ये अच्छा शॉट खेला और इसके साथ चार रन। होल्डर साजिद होल्डर मेरी बात को सुन ले, तीसरा विकेट मसवासी ने खो दिया है 28 रन पर। वाह वाह, हमारे नूरपुर 11 के जो कैप्टन है हम उनसे कहेंगे हमारे कुट्टू भाई के लिए रेड बुल का इंतजाम करें और उसके साथ ही उनके साथ ही दानिश पाशा जो उनका बाखूबी साथ निभा रहे हैं। होल्डर भाई चार रन बनाकर आउट हो चुके हैं अभी फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। जैसे कि आप जानते हैं पावर प्ले के बाद ही दबाव बना रखा है, पावर प्ले के चार ओवर खत्म हो चुके हैं और 29 रन 3 विकेट पर। मैं अपने गुड्डू भाई कमेंटेटर का मैं खैर मकदम करता हूँ, हो गया है, मोस्ट वेलकम गुड्डू भाई। डायरेक्ट हिट होती तो खतरे में पड़ सकते थे खाली। एपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पर मोड़ पर खड़ा है, मेरे इस
को उठा के मारते हैं मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। सारी मात्र दर्शक बनेंगे 6 रन और नो बॉल यहाँ पर एम्पायर का फैसला और यहाँ पर नो बॉल यहाँ पर किया एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से और सारी वहाँ पर मौजूद है लेकिन कोई और यहाँ पर रन आउट का मौका लेकिन अच्छे से बोलो थ्रू में अरे तो मारते तो टीम ने भीड़ किया एक रन लेने से नहीं रुक पाएंगे माफ कीजिए 2 रन यहाँ पर आसानी से कंप्लीट किए इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टीम का कोई भी रन बनाने का मौका नहीं यहाँ पर बैट्समैन को एक बार खालिद के लिए गेंद राहुल उसके नीचे है काफी बड़ा विकेट उल्टा कैच पकड़ा यहाँ पर काफी अच्छा कैच और कुर्बान खुश होते हुए घास के पत्तों की तरह बिखर गई है मजबासी और यहाँ पर काफी अच्छा बोल पठान जिसके लिए वो जाने जाते हैं शॉर्ट ऑफ प्लान गेंद था उसको मिड विकेट को खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने टॉपेज लिया और राहुल ने काफी आसान सा कैच पकड़ा और टीम का चौथा विकेट गिर गया यहाँ पर काफी जोर से छोटा गेंद मिड विकेट की जानिब खेला शालिम उसके पीछे है तब तक शालिम गेंद को ढूंढ के एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे वही बढ़ता हुआ स्कोर टीम का 40 रन यहाँ पर 5वें ओवर प्रगति पर है APL क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल के लिए आगे का गेंद पढ़ नहीं पाए कवर्स की जानिब मारना चाहते थे बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं गेंद सीधा विकेट कीपर आदिक के हाथों में काफी मजबूत हाथ इसी के साथ 5वां ओवर मुकम्मल होते हुए टीम का स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर फैद आजम के लिए छोटा गेंद और उसको सही नसीहत देते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन 102 मीटर का छक्का लगभग ये हमारे साथी कमेंटेटर ने बताया 102 मीटर खराब गेंद उसको सही नसीहत मैंने एक बार फिर उसको मार दिया मिड विकेट की जानी गेंद वन टू बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और काफी अच्छा शॉट देखने को मिले बैक टू बैक बाउंड्री अपनी मैच में का अगवार फिर उसको उठा के मार दिया नो रन की जारी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन अभी खराब बॉलिंग शॉर्ट ऑफ प्लान गेंद उसको सही नहीं नसीहत देते हुए 16 रन आ चुके हैं एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से 6 रन और मैच को पलट दिया एक बार आजम ने और किसी ने कमेंट करी थी 551 की और हम भी 151 रुपए के हकदार हैं 3 छक्के लगा रही है लगातार मारते हैं तो और 2 छक्के लगातार मार चुके हैं अगर 3 छक्के मारते हैं तो गुट्टू 11 स्टार की तरफ से 151 रुपए का नगद टीम के लिए एक बार फिर उसको विकेट के बाहर यहाँ पर एक आमिर के लिए डिफेंस किया कवर्स की जानी एक रन आसानी से ले रहे चहल कदमी के साथ पठान तक का फील्ड कर दे एक रन ले लिया यहाँ पर सभी दर्शक अपने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर पूछा है 64 रन यहाँ पर आमिर के लिए अच्छा बॉल योर्गर बॉल सीधा फटा कीपर के हाथों में ऊपर एक ही होगा पीछे 4 आमिर के लिए राहुल भाई मार दो राहुल भाई मार दो डायरेक्ट ठीक आती है निश्चित तौर पर पेवेलियन में जाना होता है जिनको और यहाँ पर वसीम भाई हो तो मेरी आवाज सुनने हुआ एक बार फिर गुड लक कैन और उसको तरफ मारना चाहते थे बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं एक बार फिर उसको कवर की बॉल खेल दिया मिड ऑफ तब तक फील्ड करते एक रन आसानी से लिया टीम का स्कोर छोटा गेंद हैंड ऑफ की जानी मनोज वहां पर मौजूद है आसानी से यहां पर कैच पकड़ लिया और इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होते हुए मजबासी का कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर शॉट खेलने की आमिर भाई नूर 11 ने अरे रुक गया ऊपर है पठान थोड़ा बहुत पीछे खड़ा है
किया। यहाँ पर रन आउट के चांस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट भी तो खतरे में पड़ सकते थे। और यहाँ पर मिस फील्ड रानी द्वारा, अशोक द्वारा चार रन यहाँ पर मिस फील्ड के तौर पर, पांच रन यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में आते हुए खराब थे क्षेत्र। सेवेंटी वन यहाँ पर ओवर ओवर मनोज स्कोर हो कितना गया 71 आजम के लिए वो आगे मानना चाहते थे। यहाँ पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों। एक बार दिशाहीन गेंद वाइड बॉल यहाँ पर अतिरिक्त रूप में आते हुए फील्ड कर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन आठवां ओवर फिर गति पर है। डिफरेंस करा वहाँ पर कवर्स पर, पठान वहाँ पर मौजूद है, किसी भी रन की संभावना नहीं। डिफरेंस करा बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में आती काफी सेफ हाथ में आती के लिए। एक बार फिर कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में स्कोर 23। फिर से पढ़ नहीं पाए और इसी के साथ आठवें ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 73 रन पांच विकेट के नुकसान पर। फंसवासी के लिए आगे मार दिया है, पठान में मौजूद है लेकिन पठान से दूर मना है। और एक बार फिर दो रन जहां एक होना चाहिए था मिस फील्ड हुआ, दो रन आसानी से कंप्लीट किए, टीम का स्कोर 75 रन। आगे मारना चाहते थे मिड विकेट की जानी दो रन की कोना, और यहाँ पर आसानी से दो रन कंप्लीट कर लिया आजम ने। काफी रनिंग बिटने विकेट काफी अच्छी है, लंबे लंबे कदमों से भागते हैं आजम और वहीं साथ निभा रहे हैं। फिर से उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरह, मात्र दर्शक बन जाएंगे फील्डर 6 रन। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर जिसके लिए जाने जाते हैं आजम। एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, आउट बॉल यहाँ पर, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अल्ले अल्ले राइट आते भाई आते भाई। और यहाँ पर काफी बड़ा विकेट जिसकी तलाश थी वो मिल चुका है नूर पीर को। आजम के रूप में काफी अच्छा कैच आतिफ कीपर द्वारा, काफी बड़ी विकेट, मानो कि मैच का पासा पलट गया है। जहाँ तक कि मेरे हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि मैच का पासा पर काफी बड़ा विकेट मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, पर एक मैच का टर्निंग पॉइंट जो मैच ने मोड़ ले लिया है। काफी अच्छा खेल लेता आवश्यकता नहीं थी, काफी 10 रन आ चुके थे इस ओवर में और यहाँ पर अपने विकेट की अहमियत समझ नहीं थी आजम। काफी बड़ा विकेट क्यों ना हो जो उसमें काफी बड़ा विकेट पवेलियन भर चुकी है आजम का, काफी लंबे लंबे हिट मार रहे थे। सुरक्षित अपनी क्रीज में यहाँ पर बैट्समैन, कोई भी रन की संभावना नहीं। इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 83 रन 6 विकेट के नुकसान पर मजबासी है। लेकिन वहीं और का भी पकड़ बनाती हुई यहाँ पर सौरभ के लिए आगे मारा साइड की रानी बसानी से एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे पठान उसको, तब तक फील्ड करें एक रन को पार किया है। और जैसे कि 500 रुपए की इनामी घोषणा की गई थी, कृपया 500 रुपए नगद दिए जाएंगे उनको, ठीक है, उनके 500 रुपए पक्के कर लिए यहाँ पर सलमान ने। एक बार फिर यहाँ पर बैट पे लगा बॉल, कोई रन बनने की संभावना नहीं, क्यों करेंगे अपना काम करें सारी, हमें कमेंट्री करने दें अपनी फील्डिंग करें। उठा के खेल के नीचे से ये किसी के साथ एक और विकेट का पतन, बैट
के पत्तों की तरह बखेर दिया है मजबासी को जमीन के रूप में। यहाँ पर आठवा विकेट के रूप में आठवा विकेट यहाँ पर लेन देन करते हुए यहाँ पर जिसने भी कुछ करा है क्योंकि एक तरफा टीम हो चुकी है। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 85 रन यहाँ पर। कृपया दर्शकों से अनुरोध है कि फील्ड के लिए काफी अच्छा शॉट लेकिन उसके पीछे फील्डर है मनोज काफी सुरक्षित हाथ एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 86 रन इसी के साथ टीम का स्कोर। ओवर की समाप्ति के बाद दस ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 86 रन 8 विकेट के नुकसान पर यहां पर मजबासी। एकदम रुकता मैं जाता नहीं क्योंकि मैं इसमें टकरा जाता हूं। यहां खड़ा था ना अगर यहां होता तो मैं भागने की कोशिश करता भी। विकेट के ऊपर से मानना चाहते थे नाजिम पर अपने विकेट का यहाँ पर विकेट खोया और इसी के साथ नवे विकेट के पर्दे विकेट का पतन होते हुए और यहाँ पर हारून होते कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और उठा के मारा है सारी स्माइल उसके नीचे और इसी के साथ फाइनल में प्रवेश कर गई है नूर अलेवान। जीतते हुए यहाँ पर टीम के पत्ते की तरह बिखेर दिया है और यहाँ पर हमारी टीम जीत गई है। फाइनल हो गया यहाँ पर 10 विकेट यहाँ पर ये काफी खुश है यहाँ पर कुर्बान और उनकी टीम क्यों ना खुश है फाइनल में पहुंच चुकी है और हम भी खुश है हम भी जीत गए पैसे थोड़े बहुत और यहाँ पर काम हो गया दिहाड़ी हो गई हमारी भी। धन्यवाद नूरपुर 11 फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। फाइनल देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें असलम स्पोर्ट्स क्लब लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें थैंक यू।